राज्य बिहार। जैसे ही आप बिहार का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? बिहार के IAS जो बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। नीतीश कुमार के अनुसार उनका क्षेत्र प्रगति कर रहा है और बिहार की अर्थव्यवस्था भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उनके मुताबिक राज्य में उन्नति और विकास जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही व्यक्त करते हैं। नीतीश बिहार के 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन उसके बावजूद क्षेत्र में ज्यादा सुधार नहीं आया है। बिहार क्राइम के मामले में भारत में 5वें स्थान पर आता है। साथ ही बिहार विभिन्न समाज आर्थिक कारकों के कारण अपराध दरों से जूझता है जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक अशांति शामिल है। समाज आर्थिक स्थितियों को सुधारना, प्रभावी शासन सुनिश्चित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना, अपराध को कम करने और उनके निवासियों के लिए एक अधिक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार सरकार इनमें असफल दिख रही है। वैसे तो बिहार में जुर्म की खबरें कोई नई बात नहीं है। अक्सर क्राइम के मामले में बिहार का नाम चमकता है लेकिन आज हम आपको बताएंगे हाल ही में घटित बिहार की कुछ जुर्म की कहानियों के बारे में। सबसे पहली खबर, बिहार के पूर्णिया जिले के अकबरपुर OP क्षेत्र के दावदा गांव के पास मंगलवार को मिला बच्ची का शव। लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई और वह 10वीं कक्षा की छात्रा थी। दूसरी बड़ी खबर, एक ससुर ने अपनी बहू की हत्या की। रंजू देवी जो 40 वर्षीय थी अपने बेटे के सामने हत्या की गई। उसके बाद ससुर ने शव को सीमेंट टैंक में छुपा दिया। अगली बड़ी खबर बिहार के सहरसा जिले से आ रही है जहां गांव वालों ने स्कूल के मास्टर को जमकर पीटा जिसने बच्चों के साथ मिसबिहेव किया और उन्हें प्रताड़ित किया और डंडे मारे। पूरी घटना सहूरिया पूर्व पंचायत के सौर बाजार ब्लॉक क्षेत्र में स्थित माध्यमिक विद्यालय रुपोली से संबंधित है। अगली खबर बिहार के जहानाबाद जिले से जहां धन संवाद के कारण गोली मारी हुई। इसके दौरान एक व्यक्ति को गोली लगी। व्यक्ति का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर बिहार के बेगूसराय से जहां पर एक लड़की को निर्वस्त्र करके पीटा गया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में तीनों आरोपियों ने पुलिस छापा के डर से सरेंडर कर दिया। आरोपियों ने लड़की की पिटाई का एक वीडियो बनाया था जो अब इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। अगली बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर में शहर के एक्सिस बैंक से लगभग 1.28 करोड़ रुपए के करीब का लोन लेने का मामला सामने आ रहा है जिसमें झूठे सोने का उपयोग किया गया था। इसके बाद एक्सिस बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक रमेश रंजन राज ने शहर पुलिस स्थान पर FIR दर्ज करवाई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बिहार में बढ़ रहे जुर्म की वारदात कम होती है या नहीं और इसमें नीतीश कुमार की सरकार क्या काम करती है। यूं तो नीतीश कुमार हमेशा अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हैं पर वहीं पर विपक्ष बिहार को जंगल राज्य कहकर संबोधित करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या काम करता है बिहार की स्थिति सुधारने के लिए और इसका बिहार पर क्या असर पड़ता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 10 इंडिया के साथ। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।